You can watch this video with English audio on my alternate channel youtube.com/careermasterchannel. I have shared the link of the channel in the description of this video. आप इस वीडियो को इंग्लिश ऑडियो के साथ मेरे alternate channel youtube.com/careermasterchannel पर देख सकते हैं. चैनल के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया है. हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है. खैर मकदम है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीयूसेट 2020 में शामिल 18 यूनिवर्सिटीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जानकारी के साथ मैं इससे खास वीडियो में हाजिर हूं. आगे मैं वीडियो में बताऊँगा कि आज यानी 18 नवम्बर 2020 तक इन यूनिवर्सिटीज़ की क्या क्या अपडेट्स हैं. आप चाहें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ दी गई है, सारी लिंक क्लिकेबल हैं. आप लिंक को क्लिक कर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आप क्लिक या टैब को क्लिक कर सकते हैं. सीयूसेट 2020 में 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल थी. आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सीयूसेट के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट, कोई भी नई जानकारी मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए. इस वीडियो को आप इंग्लिश ऑडियो के साथ मेरे अल्टरनेट चैनल youtube.com करियर मास्टर चैनल के पर देख सकते हैं. चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है. शुरुआत करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार. जैसा कि आज 18 नवम्बर 2020 है, यूनिवर्सिटी की आज आखिरी तारीख है, लास्ट डेट है. यूजी पीजी और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स के सेकंड मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है, जो वेटिंग लिस्ट में है या जो फिर कट ऑफ के बराबर जितने मार्क आए हैं, वो आज तक तो प्रोग्राम फी जमा कर सकते हैं. प्रोग्राम फी कितनी है, इसके लिए आपको लेक्चर 1 क्लिक करना है. एनेक्शन 2 में बताया गया है कि कैसे आप फी सबमिट कर सकते हैं. आप चाहे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी गई लिंक SBI कलेक्ट के थ्रू भी आप फी पे कर सकते हैं. अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं. विजिट करने के बाद आप यहाँ पर टैब देख सकते हैं, ऑनलाइन फी सबमिशन. जब आप इस टैब को क्लिक करेंगे तो फर्दर आप फी जमा कर सकते हैं SBI कलेक्ट के थ्रू. तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की फिलहाल यही जानकारी है. नोटिस फॉर एडमिशन टैब पर और ज़्यादा जानकारी आपको मिल सकती है. जिन लोगों को PhD के इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है, उसकी डिटेल्स यहाँ दी गई है. जैसे कि आप देख सकते हैं सारे लिंक क्लिकेबल हैं, आप इन लिंक को क्लिक कर सारे डिटेल्स को देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की पीजी एडमिशन की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, फिलहाल कोई नई जानकारी नहीं है. आखिरी जानकारी थी लिस्ट 2.2.4 ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, लास्ट डेट टू सबमिट फी 17 नवम्बर 2020 3 बजे तक थी. जिन लोगों को फी सबमिट करना था वो डेट ऑलरेडी ओवर हो चुका है. मैं आपको बार बार सलाह देता हूँ कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ लिस्ट निकलती है और फीस सबमिट करने के लिए बहुत ही कम समय दिया जाता है. आगे बढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. यूनिवर्सिटी ने PhD के एडमिशन के लिए नोटिस जारी किया है. जैसे कि आप देख रहे हैं एडमिशन टैब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट है www.coraj.ac.in. एडमिशन टैब को जब आप क्लिक करेंगे, रीड मोर पर जाएंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा. यहाँ आप देख सकते हैं 20 नवंबर इज द लास्ट डेट ऑफ PhD रजिस्ट्रेशन, यानी 20 नवंबर तक आप PhD के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. डिटेल्स आप रीड मोर टैब को क्लिक कर पढ़ सकते हैं. डिटेल्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर BTech फर्स्ट सेमेस्टर 2020-21 थ्रू सीयूसेट नहीं है ये. उसके बाद सीयूसेट के रिगार्डिंग और भी जानकारी आपको यहाँ पर इस टैब को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल पर ले जाया जाएगा, जिस पोर्टल पर सारी जानकारी दी जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की सीयूसेट के थ्रू एडमिशन के रिगार्डिंग. आप सारी डिटेल्स को यहाँ देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वेबसाइट. आप जैसा कि देख सकते हैं ये वेबसाइट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, URL आप देख सकते हैं. जब आप स्क्रॉल करेंगे तो एडमिशन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा. ये टैब है, जब आप इस टैब को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं लेटेस्ट जानकारी, रिसर्च प्रोग्राम, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सीयूसेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, NOC प्रोफॉर्मा फॉर पार्ट टाइम कैंडिडेट्स, मोड ऑफ इंटरव्यू, इंट्रोडक्शन फॉर MPhil PhD प्रोग्राम एडमिशन. वहीं क्लिक हियर फॉर लॉग इन ऑफ UG एंड PG अलॉटेड कैंडिडेट. जिन लोगों को सीट अलॉट हो चुकी है उनको फर्दर लॉग इन यहाँ से करना है. तो ये सारी जानकारी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए जारी कर दी गई है. आप इस टैब को क्लिक कर सारी जानकारी देख सकते हैं. इसके अलावा
नीचे कई टैब्स हैं, आपके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप सावधानी से इन सारे डिटेल्स को पढ़कर एडमिशन के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। आप हेल्प डेस्क नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप इस टैब को क्लिक करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर यूजी पीजी एनपीएच एडमिशन, तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें बताया गया है क्लिक हियर टू मेक पेमेंट ऑफ फी फॉर यूआई पीजी एमटेक गेट क्वालिफाइड एमबीए कैट क्वालिफाइड कोर्सेज, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द रिसर्च प्रोग्राम काउंसलिंग। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के एडमिशन पेज आप देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ एडमिशन स्टूडेंट इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो ये लिस्ट जारी की गई। फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नई जानकारी नहीं है, आप ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, टाइमिंग दी गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ फ्लैश न्यूज, जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेटेस्ट न्यूज आ जाएगी एडमिशन संबंधी। ये रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स इज ओपन विद द रिक्वेस्ट चेंज फॉर द रिसर्च प्रपोजल, दोज हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन विदाउट रिसर्च प्रपोजल शुड हैव टू रिसबमिट देयर एप्लीकेशन, जिन्होंने रिसर्च प्रपोजल नहीं दिया था उनको रिसर्च प्रपोजल जमा करना है। यहीं पे द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी एडमिशन कैन रजिस्टर इन द एडमिशन पोर्टल फ्रॉम 4 PM ऑन 17th ऑफ नवंबर टू 6 PM ऑन 19th ऑफ नवंबर 2020। तो लेटेस्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन के संबंध में दिया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के एडमिशन टैब को आप देख सकते हैं, यूजी पीजी एडमिशन पीएचडी एडमिशन, तो बड़ा ही लेट लग रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जानकारी नहीं आ रही है एडमिशन के संबंध में। अब सीयूसी 2020 टैब को भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई जानकारी नई नहीं आएगी, पुरानी ही जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पेज पर अवेलेबल है। जैसा कि पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे फिलहाल कोई नई जानकारी नहीं है, और आगे अगर आप देखेंगे एडमिशन पेज को एक्सक्लूसिवली तो पुरानी ही जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो लगता है कि कुछ और दिन आपको वेट करना पड़ेगा। आप सारे प्रोसीजर सारी डिटेल्स को इन लिंक्स को क्लिक कर पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन हो रहा है ये पेज, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ, देखते हैं क्या डिटेल्स है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के पेज को आप देख सकते हैं, एडमिशन पेज है यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिलहाल जो भी डिटेल्स हैं वो पुराने ही डिटेल्स, आप चाहे तो डिटेल्स को क्लिक कर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ लोगों को ईमेल भी जाती है, तो अगर आपको कोई ईमेल आई है तो आपको अकॉर्डिंगली ईमेल के अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स लेना है। तो इस पेज पर सारी जानकारी दी जाती है, कुछ जानकारी आपको ईमेल के थ्रू भी मिली होगी या मिलने वाली होगी, तो आप ईमेल को अच्छे से चेक करें। अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क पर आप कॉल कर सकते हैं, हेल्प डेस्क नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का होम पेज आप देख सकते हैं, लेटेस्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं, एडमिशन एक्सटेंशन नोटिस एमएससी बार्टिंग रीड मोड टैब को क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह से दूसरे कोर्सेज दूसरे जानकारी नीचे दी गई है इस पेज पर, आप रीड मोड बटन को क्लिक कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीएलएलबी प्रोग्राम रिवाइज काउंसलिंग नोटिफिकेशन दी गई है, ये लेटेस्ट नोटिस है, तो इस तरह से सारे नोटिस को आप लिंक को क्लिक कर पढ़ सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट ऑलरेडी जारी हुई है, पुरानी ही मेरिट लिस्ट है, अभी नई कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मिस्टर नरेश शर्मा को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जैसे कि आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की सेकंड काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस वीवॉक टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट रिटेल मैनेजमेंट आईटी एमए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एमए तेलुगु। अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए तो आप प्रोफेसर हनुमान कैंडी को इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। असम यूनिवर्सिटी, हमेशा की तरह सीयूसेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हो सकता है कि स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली इन्फॉर्म किया गया होगा, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं है। अब स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ करते हैं, बेंगलुरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, 16 नंबर की ये नोटिस है, सेकंड राउंड लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू सेकेंड ईयर एमएससी इकोनॉमिक्स 2020-21। वही लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिशन इन फर्स्ट राउंड टू 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स, ये दोनों नोटिसेस रिसेंट नोटिसेस हैं, कल के 2 दिन पुरानी नोटिसेस, कुछ और नोटिसेस यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस पेज पर आप स्क्रॉल कर नोटिसेस देख सकते हैं, 16 नंबर की ये भी नोटिस है। कलिकोटी यूनिवर्सिटी बहरामपुर, अभी फिलहाल कोई नई जानकारी नहीं है, पुरानी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर।
बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से भी सीयू सेट के रिगार्डिंग कोई नई जानकारी फिलहाल नहीं आई है। लास्ट इन्फॉर्मेशन निकली थी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है, एमसीए के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस सेकंड मेरिट लिस्ट ही इनकी लेटेस्ट जानकारी है। जब आज टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरिट लिस्ट दिखेगी, जो लास्ट मेरिट लिस्ट आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, वो आप देख सकते हैं। फर्दर क्या प्रक्रिया है, आपको इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट सेलेक्टेड इन सेकंड मेरिट लिस्ट ये पढ़कर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीयूसेट 2020 में शामिल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया के संबंध में लेटेस्ट जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कन्फ्यूजन है, किसी तरह की दुविधा है, तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। आप चाहे तो ज्यादा जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियो, कोई भी नई अपडेट मैं सीयूसेट के रिगार्डिंग इस चैनल पर अपलोड करो तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस।